हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बड़े ही दिनों बाद व्लॉग लेकर आई हूँ, बिकॉज आपको पता है बहुत ज़्यादा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा है इसकी वजह से। एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। और अभी आप लोग सब कमेंट कर रहे हैं कि दी आप अपना वेट कितना हुआ है, कम हुआ या वेट बढ़ गया, या आप अपना डाइट नहीं दे रहे हैं, या फिर आप वेट अपना बता नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अभी वेट मेरा वही है, बड़ा नहीं है ना कम हुआ है, कम भी नहीं हुआ, बड़ा भी नहीं है, वो मेंटेन है ना, जो मैंने लास्ट अपने वीडियोज़ में दिखाया था। तो अभी मैं थोड़े दिन बाद, ये समझ लो कि नेक्स्ट मंथ से मैं अपना जो रूटीन है उसे चेंज करने वाली हूँ थोड़ा सा, और अपना वेट जो है उसे और कम करने वाली हूँ। तो तब मैं आपके साथ में वेट वगैरह सब इस दिखाऊंगी, ठीक है? अभी जो मैं रूटीन है मेरा जो चल रहा है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वो सब एक नॉर्मल वाला ही चल रहा है, तो वही मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में आपने सबसे पहले देखा था कि मैंने उठते ही, और जो एक कप चाय है, अब सर्दी है तो देखिए चाय के बिना तो रह ही नहीं पाते हैं ना। जो लोग चाय के शौकीन हैं उनसे आप पूछ सकते हैं ये चीज़। तो एक चाय या दो चाय आप पी सकते हो अगर वेट लॉस कर रहे हो तो। एंड इसके बाद में मैंने साथ में एग ले लिए थे, और फिर मैं अपने ये जो तैयारी कर रही थी, ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही थी जिसमें मैं ब्रेकफास्ट करूँगी ये, तो उसके अंदर देखिए चपाती का ये है कि चपाती अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। अगर आप दो चपाती भी एक दिन में खा लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको थोड़ा वॉक करना है और थोड़ी एक्सरसाइज पे फोकस करना है, जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज है वो धीरे धीरे बर्न होने लगेगी। और ऐसा नहीं है कि आप रोटी को एकदम छोड़ दें, अगर जो छोड़ना चाहे, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा वेट है जिनका 100 किलो है या 90 किलो है और वो चाहते हैं कि नहीं हमें कम करना है, तो वो कुछ दिन के लिए रोटी को स्किप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम इससे रोटी ना खाएं, इसके बिना तो रह नहीं सकते ना। तो जो जो चीज़ें हमें लाइफ में खाने को चाहिए और जो शुरू से हम खाते आए हैं उसे हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें कम कर देना है, उसकी रेशो को कम कर देना है, ठीक है? एकदम से लाइफ से उसे हटाना नहीं है। तो इसलिए आप उसे कम मात्रा में कर दे, जैसे अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप 2 रोटी कर दो, फिर आप थोड़े दिन बाद 1 रोटी कर दो, ऐसे कर दो, जो 2 खा रहे हैं वो 1 पर आ जाइए, ठीक है? ये चीज़ आपको करनी है। 1 रोटी तो आप खा ही सकते हैं, उसके साथ में आपको हेल्दी डाइट ज़रूर लेनी है। हेल्दी डाइट के अंदर जैसे बहुत सारा सैलेड है वो 1 प्लेट भर के खाइए, सब्जी है वो आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाइए, तो उसमें ही आपका पेट है वो फुल हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये मैं कटिंग कर रही हूँ, अनियन है सब चीज़ें, और मैंने शावर भी ले लिया था मॉर्निंग में, शावर वगैरह सब लेने के बाद में, उसके बाद में फिर मुझे टाइम मिला क्योंकि मैंने वो ब्रेकफास्ट ले लिया था ना। तो जब आप एग वगैरह खाते हैं तो ये थोड़ा हैवी होता है, तो आपको 4-5 घंटे के लिए भूख नहीं लगती है। तो उसके बाद में 12:30 के आसपास फिर मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, और 1 बजे के समथिंग, 1-1.5 बजे के समथिंग मैंने अपना जो है लंच वो कर लिया था। तो बस इसके अंदर जो जो चीज़ें सब्जियां पड़ी है फ्रिज में वो आप ले लें। मैं यहाँ पर जो बनाने वाली हूँ नॉर्मल सा एग का ऑमलेट ही बना रही हूँ, लेकिन वेजिटेबल ऑमलेट होगा ये, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो जो आपके पास है वो सब आप ऐड कर देंगे ना, तो उसकी जो गुडनेस है वो और बढ़ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अनियन है उसे चॉप कर रही हूँ, एंड हरी धनिया है, हरी मिर्च है, और इसके साथ में आप टमाटर भी इसमें डाल सकते हैं, एंड और भी जो भी चीज़ है जैसे कि कैबेज है, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, तो उसकी गुडनेस है वो बढ़ जाती है और हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती है। सारे विटामिंस मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपने देखा इस तरह से ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी बाउल में, और एग जो है वो आप 2 एग इसमें डाल दें, ठीक है? 2 एग इनफ रहेंगे एक जाने के लिए। तो ये सब काफ़ी हैवी बनता है, और खाने के बाद में, इसको भी खाने के बाद आपको 3-4 घंटे भूख नहीं लगती है, तो फिर सीधा स्नैक्स का टाइम आ जाता है, स्नैक्स में फिर आप हल्का फुल्का कुछ ले लें। तो ये है ना, काफ़ी हेल्दी डाइट रहता है, इस तरह से आप लोग अपना डाइट है वो फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें आपको सब चीज़ें मिक्स कर देनी है, अनियन ये सब डालने के बाद में 2 एग को मैंने इसमें डाल दिया, और हल्का सा सॉल्ट एंड लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। वैसे ग्रीन चिली होती है ना, तो हमें जो है लाल मिर्च पाउडर वो थोड़े ही डालना होता है। अच्छे से इसको मिक्स करना है और फिर इसका बहुत ही अच्छा सा ऑमलेट रेडी करना है। Thank you.
सो इसके बाद में आती है बारी चाय की, तो चाय भी हम पियेंगे। और चाय बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके अंदर आप लोग सिर्फ चाय की पत्ती डालें, इसमें शुगर ऐड नहीं करना है। एंड बाद में जब ये पूरी बन जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको क्या ऐड करना है हल्का सा मीठापन के लिए, ओके। क्योंकि काफ़ी लोग अगर शुगर डालते रहेंगे, दिन में 4 कप चाय या 2 कप चाय पियेंगे और उसमें शुगर हर बार 1-1 चम्मच डालेंगे, तो फिर कैलोरीज है ना वो और बढ़ती है। तो इसलिए शुगर को बस आपको हटा देना है, कट कर देना है बिल्कुल, ओके। तो यहाँ पर देखिए चाय बन चुकी है एंड अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे गुड़, यानी कि जैगरी थोड़ी सी डालनी है बस, ये देखिए इतना डाल के और इसको लास्ट में मिक्स करना। अगर आप बनती हुई चाय में अगर डाल देंगे तो चाय फट जाती है, तो इसलिए आपको पूरा बनने के बाद में ऊपर से ही ये इसको थोड़ा सा ऐड कर देना है। तो ये काफ़ी हेल्दी भी होती है और जैगरी है वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर बस ये इस तरह से चाय रेडी करिए और फिर चाय पीने के बाद में फिर आ जाती है जो बारी डिनर की, तो वो मैं आपको बताऊँगी डिनर में भी मैंने क्या लिया था, ओके। एंड यहाँ पर बस चाय हमने फिनिश कर दी है और डिनर में बस थोड़ा हल्का फुल्का ही लिया था। आगे आप देखेंगे पनीर है और थोड़ा सा पनीर ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा मैंने चीला बना लिया था, वेजिटेबल चीला, पनीर और ये थोड़ा सा मिर्ची थी, तो बस इसको ही मैं खाने वाली थी, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना।